भी बैंक में मैनेजर से लेकर पियोन और सुरक्षा कर्मी तक विभिन्न सारे पद होते हैं और बैंक के अंदर किसी एक काम को करने के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। जैसे पैसों से संबंधित लेन देन के लिए कैशियर और बैंक अकाउंट खोलने वाला अलग व्यक्ति होता है, पासबुक एंट्री वाला अलग, और इसके अलावा पूरे बैंक का मैनेजमेंट रखने के लिए बैंक मैनेजर होता है। और इसके अलावा संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और उन सभी कार्यों को करने के लिए अलग पद निर्धारित किए जाते हैं। और इसी के अनुसार भारत में सैकड़ों की संख्या में सरकारी और प्राइवेट बैंकें शामिल हैं। तो इस वीडियो में हम बैंक जॉब से जुड़ी पूरी डिटेल शेयर करने वाले हैं, तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। बैंकिंग सेक्टर में दो मुख्य सेक्टर होते हैं, पहला सरकारी और दूसरा प्राइवेट। इसके अलावा तीसरा सेक्टर भी होता है जिसे हम सेमी गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं। दरअसल किसी बैंक में सरकार की कुछ हिस्सेदारी होती है और वह सेमी गवर्नमेंट सेक्टर कहलाता है। आमतौर पर भारत के बड़े सरकारी बैंक अपने खुद के द्वारा परीक्षा का आयोजन करवाते हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने बैंक के अंतर्गत रिक्त पदों की भर्ती के लिए खुद की परीक्षा का आयोजन करवाता है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। और इसके अलावा देश के बड़े बड़े प्राइवेट बैंक भी परीक्षा का आयोजन करवाते हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब के लिए अगर आप योग्यता की बात करें तो सबसे पहले बैंक में क्लर्क की नौकरी करने के लिए आपको 12वीं पास भी आप आवेदन कर सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करने के लिए आपको योजित परीक्षा देने के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी होगी और भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है और आपको हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषा का ज्ञान होना चाहिए और एप्लीकेंट को कंप्यूटर की जानकारी होना जरूरी है। जिस राज्य में जॉब करना चाहते हैं उस राज्य की लोकल भाषा आनी आपको जरूरी है और उम्मीदवार की जो आयु है 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए और किसी विशेष पद के लिए निर्धारित किया गया कोर्स आपको करना होगा। बैंकिंग सेक्टर की परीक्षा की बात करी जाए तो बैंकिंग सेक्टर परीक्षा तीन चरणों में आयोजित करवाई जाती है। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा होती है यानी कि प्री होती है और दूसरे चरण में द्वितीय परीक्षा यानी कि मेंस होती है। तीसरे चरण में आपका इंटरव्यू लिया जाता है। आमतौर पर सरकारी, सेमी और प्राइवेट बैंकों के लिए IBPS ही परीक्षा आयोजन करवाता है। IBPS जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होता है और इसका मुख्य कार्य बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करना होता है। इसके अंतर्गत आयोजित होने वाले प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी ही दूसरे चरण यानी कि मेन्स तक पहुँचते हैं और इस परीक्षा को पास करने वाला विद्यार्थी आखिर में तृतीय चरण यानी कि इंटरव्यू तक पहुंचता है। और सिलेक्शन होने के बाद आपको जो है पद नियुक्त किया जाता है। बड़े बड़े प्राइवेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के तहत आयोजित परीक्षा के अंतर्गत ही विशेष पदों के लिए नियुक्त होते हैं और इसके अलावा प्राइवेट बैंकों के अंतर्गत नौकरी करने के लिए आपको बैंक के सिलेक्शन कम्युनिटी के तहत इंटरव्यू देकर जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट बैंकों के अंतर्गत इंटरव्यू किए जा सकते हैं और आपकी योग्यता के अनुसार आपको किसी पद के लिए नियुक्त कर देंगे और इस प्रकार से आप प्राइवेट बैंक में नौकरी पा सकते हैं। आमतौर पर स्थानीय और छोटे बैंक में नौकरी पाना काफी आसान है तथा बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत आने वाले कॉल सेंटर, पासबुक तथा कार्ड मैनेजमेंट इत्यादि विभागों में काफी आसानी से नौकरी मिल जाती है। बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पदों की बात करी जाए तो बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत ना केवल बैंक बल्कि बैंक से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के उद्योग शामिल हैं, जैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड बनाने वाली कंपनियां, प्रिंट करने वाली कंपनियां, बैंक अकाउंट के लिए पासबुक तैयार करने वाली कंपनियां और इसके अलावा स्टार्टअप तथा इससे संबंधित कॉल सेंटर भी होता है जो ग्राहकों की सुविधाएँ, सर्विसेज के लिए तथा फाइनेंस सर्विसेज उपलब्ध कराने जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के लिए बड़ी मात्रा में प्रत्येक बैंक का प्रत्येक शहर में एक विशेष कॉल सेंटर होता है। इन कॉल सेंटर में सैकड़ों की संख्या में लोगों की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा किसी भी बैंक की ब्रांच में विभिन्न प्रकार के पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण पदों के नाम जैसे हम लें, जैसे कि जूनियर एसोसिएट, ब्रांच हेड, एसोसिएट मैनेजर, असिस्टेंट चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर,
अकाउंटिंग कंसल्टेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर, क्लैरिकल कैडरे अंडर स्पोर्ट्स क्वाटा अंडर और सेकंड डिवीजन क्लर्क्स और स्पेशलिस्ट कैडरे ऑफिसर, कंप्यूटर प्रोग्राम ऑफिसर और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, आरटीआई और प्रोबेशनरी ऑफिसर शामिल होते हैं जो कोई विशेष पद होते हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर हम सैलरी के बारे में चर्चा करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है, परंतु यह आपके पद पर पूरी तरह से डिपेंड करता है क्योंकि बैंक में कुछ पद काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ निम्न स्तर के होते हैं। जैसे किसी भी ब्रांच का मैनेजमेंट रखने वाला ब्रांच का मैनेजर सबसे बड़ा पद होता है, उसके बाद उप मैनेजर तथा बैंक के अंतर्गत पैसा का लेन देन करने वाला कैशियर भी बड़ा माना जाता है, इसके अलावा बैंक अकाउंट ओपन करने वाला उसके बाद आता है और इसी तरह से विभिन्न प्रकार के पद होते हैं जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। इसमें सबसे निम्न स्तर का पद भी होता है, सभी पदों में उनकी योग्यता और एक्सपीरियंस के अनुसार उनको वेतन दिया जाता है। बैंकिंग सेक्टर के सबसे ज़्यादा सैलरी बड़े बड़े सरकारी बैंकों में मिलती है और उसके बाद बड़े बड़े प्राइवेट बैंकों में भी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। आमतौर पर सरकारी और बड़े प्राइवेट बैंकों में ऊँचे पदों पर कार्यरत अधिकारियों को हर महीने आसानी से 50,000 से ऊपर तक की सैलरी मिलती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाने वालों को ज़्यादा और कम भी मिल सकता है और बैंक की लोकेशन, आपके पद की आयु, जैसे कि एक्सपीरियंस, आपका कार्य और आपकी योग्यता के आधार पर ही आपकी सैलरी निर्भर करती है। ब्रांच मैनेजर, बैंक मैनेजर और विभिन्न प्रकार के मुख्य पदों पर लाखों रुपये में सैलरी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और कुछ बैंकों में आपको सहूलियतें भी दी जाती हैं सैलरी के अलावा। बैंकिंग सेक्टर में निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक विभिन्न प्रकार के पद होते हैं क्योंकि किसी भी बैंक में विभिन्न प्रकार के काम किए जाते हैं, इसलिए किसी एक काम को करने के लिए विशेष पद बनाया गया है ताकि किसी भी काम को सही ढंग से तथा आसानी से किया जा सके। तो फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर की जॉब से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती हैं। तो हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।